गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग जो जनरल पढ़ रहे थे उसी के क्लासेस को आगे जारी रखते हुए आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये पहला क्लास से ही संबंधित डिस्कशन है, मगर चूंकि हम पहला क्लास में इस डिस्कशन को इसलिए नहीं किए, अगर हम पहला क्लास में करते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। मेरे 15 साल का अनुभव यही बोलता है कि बच्चों को अगर एक साथ ज़्यादा चीज़ दिया जाए, भी 11th में, मतलब जहाँ 10th तक कॉमर्स का उतना ज़्यादा जिक्र होती नहीं है, और 11th में अचानक जिक्र करें और भी एक साथ ज़्यादा दे दे तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। इसीलिए हम लोग बेसिक इतना ही पहला क्लास में अभी तक चर्चा किए जितना से बच्चों का एंट्री, खासकर जनरल एंट्री करने के प्रति, सब्जेक्ट के प्रति विश्वास बढ़े। अब हम लोग उस लेवल में आ चुके हैं कि अब लोग हम अब जो रिमेनिंग पार्ट था उसका डिस्कशन कर सके। जो जनरल का जनरलाइजिंग से संबंधित ही हमारा रूल्स है। क्योंकि जनरलाइजिंग का दो अप्रोच है वर्तमान में, एक ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको गोल्डन रूल्स कहा जाता है, जिसकी चर्चा मैंने अभी कर चुके हैं, फिर भी एक बार दोहरा लेते हैं। पर्सनल अकाउंट में बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स में बोला जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो व्यवसाय में आवे उसको डेबिट कीजिए, जो भी रियल अकाउंट मतलब एसेट्स, नेट सेल में एसेट्स ही रियल अकाउंट का बोध कराता है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो व्यवसाय से बाहर जाए संपत्ति उसको क्रेडिट कीजिए। नॉमिनल अकाउंट जो खर्चा इनकम आय से संबंधित हो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, इस पर बेस सारा एंट्री को हम लोग देखें। मगर एक मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है? मॉडर्न अप्रोच में बोला जाता है डेबिट जब भी संपत्ति इंक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस एंड एसेट्स, अगर कोई खर्चा हानि या संपत्ति बढ़े, इंक्रीज इन मतलब इंक्रीज इन मतलब बढ़े, जब भी इसके वैल्यू में वृद्धि हो, किसके वैल्यू में, खर्चा एक्सपेंसेस के या हानि लॉसेस के या एसेट्स के, तो जब भी इसके वैल्यू में वृद्धि होगा तो उसको डेबिट कीजिए। मतलब संपत्ति जब जब बढ़े तो उसको डेबिट किया जाए, और जब जब संपत्ति घटे उसको क्रेडिट किया जाए, जिसको हम लोग यहाँ लिखे हैं डिक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट्स। डिक्रीज इन क्रेडिट करना है किसको, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट्स, मतलब खर्चा हानि या संपत्ति में वृद्धि हो तो उसको डेबिट कीजिए, अगर उसमें कमी हो, डिक्रीज हो, तो उसको क्रेडिट कीजिए। अब बोलता है इंक्रीज इन इनकम गेन्स एंड लायबिलिटीज, जब जब मेरा लाभ आय या दायित्व लायबिलिटीज बढ़े तो उसको क्रेडिट कीजिए। अगर इसके उल्टा, अगर ये डिक्रीज हो रहा है किसमें, इनकम में, गेन्स में या लायबिलिटीज में, तो उसको डेबिट कीजिए। सिंपल सा फंडा इसमें दो लाइन का ही है, जब भी संपत्ति खर्चा हानि बढ़े डेबिट, जब घटे तो क्रेडिट। अब दायित्व लाभ जब बढ़े तो क्रेडिट इंक्रीज हो, और ये घटे तो डेबिट। ये मॉडर्न अप्रोच है। आइए इस पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं, और उसको हम इस ट्रेडिशनल अप्रोच जिसको हम लोग गोल्डन रूल्स कहते हैं उस पर हम लोग लिंक करके देख चुके हैं व्हाई इट इज डेबिटेड, व्हाई इट इज क्रेडिटेड। बट अब नाउ समय आ चुका है कि हम लोग मॉडर्न अप्रोच से किसी भी ट्रांजेक्शन्स का, किसी भी लेन देन का, उस पर हम लोग उसके जो कंसेप्ट है मॉडर्न अप्रोच पर, उससे लिंक करके हम लोग देखते हैं कि क्यों इस खाता को डेबिट किया गया, क्यों इस खाता को क्रेडिट किया गया। आइए यहाँ पर हम लोग इलस्ट्रेशन देखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच से सारा लिंक हम लोग पहले ही फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं, तो उसको आप लोग जनरल के पहला क्लास से वीडियो से देख सकते हैं। अब आज बेसिकली हमको मॉडर्न अप्रोच पर चर्चा करना है जो पहला क्लास से ही संबंधित है, मगर हमको बेसिकली पहले एंट्री सिखाना बच्चों का महत्वपूर्ण था। क्योंकि मेरा जो अनुभव है आज तक का कि बच्चे एक साथ दोनों अप्रोच बताने से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, इसीलिए मॉडर्न अप्रोच को हम लोग बाद में चर्चा कर रहे हैं। आइए कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं, उसका फिर हम लोग एंट्री देखते हैं। बिजनेस पहला एंट्री लेते हैं जो जनरली हम लोग का कॉमन एंट्री है। बिजनेस स्टार्टेड विथ ₹5 लाख, व्यवसाय प्रारंभ किए 5 लाख, इसका हमको एंट्री करना है, इसका हमको जनरल एंट्री करना है। तो सबसे पहले अफेक्टेड खाता हम लोग देखते हैं, यहाँ चूंकि स्वामी इन्वॉल्व है, कैपिटल जिसको बोलते हैं, यहाँ एक कैश का जिक्र है, रियल हो गया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। वह पर्सनल कौन है, लायबिलिटीज का बोध करा रहा है, क्योंकि हम अपने आपको जब भी एंट्री कीजिए व्यवसाय ही मानिए, तब एंट्री का सही एस्पेक्ट में आप अपने थिंकिंग को ले जा पाएंगे और एंट्री आपका सही होगा। तो जैसे व्यवसाय प्रारंभ किए तो एक तो कैश आ रहा है व्यवसाय में, और देने वाला कौन है, स्वामी। स्वामी का नाम हम लोग जानते थे, कैपिटल रखा जाता जब जो व्यवसाय में दे, और जब जो व्यवसाय से कुछ ले जाए तो उसको ड्रॉइंग कहा जाता था। तो
तो व्यवसाय कौन है, एक तरह से मालिक को भी व्यवसाय का दायित्व माना गया है कि कल होकर उसको लौटाना है स्वामी को भी, क्योंकि मालिक और व्यवसाय को अलग माना गया है। हम अपने आप को व्यवसाय मालिक एंट्री करते हैं, तो मालिक भी अगर अपने आप व्यवसाय भी प्रारंभ करे चाहे बीच में कुछ दे व्यवसाय को, तो उसको भी एक तरह से एक सीमा तक उसको दायित्व माना गया है। मतलब एक तरफ व्यवसाय में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटीज व्यवसाय का दायित्व है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, एक चीज हमको यहाँ दिख रहा है मॉडर्न अप्रोच के अनुसार। और दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है, कैश को हम लोग एसेट्स बोलते हैं, एसेट्स भी इंक्रीज हो रहा है। स्पष्ट हम लोग देख पा रहे हैं, एक तरफ लायबिलिटीज बढ़ रही है, एक तरफ एसेट्स बढ़ रही है। तो डेबिट क्या बोलता है, एक्सपेंस इंक्रीज इन एक्सपेंस लॉस एसेट्स, तो जो एसेट्स बढ़ रहा है उसको डेबिट करें, लायबिलिटीज बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट करने बोलता है मॉडर्न अप्रोच, इंक्रीज इन इनकम गेंस या लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज का नाम, एसेट्स का नाम क्या था, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट इसका एंट्री हो गया, और लायबिलिटीज का क्या नाम था, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट, जो अमाउंट हो 5 लाख उसको 5 लाख को हम लोग डाल देंगे। ये आपका मॉडर्न अप्रोच से हम लोग इसको लिंक करके एंट्री कर पा रहे हैं। अब सपोज कुछ एग्जांपल और लेते हैं, फर्नीचर परचेज आपका कुछ इलस्ट्रेशन और लेते हैं जिसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं अभी। अब एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं जिसको मॉडर्न अप्रोच से हम लोग लिंक करेंगे, सिंपल लेते हैं, आइए, वेजेज पेड, मजदूरी दिए ₹500, मजदूरी का भुगतान किए 500। आइए इसको हम लोग किससे लिंक करते हैं, मॉडर्न अप्रोच से लिंक करके एंट्री करते हैं। मजदूरी मेरा क्या है, व्यवसाय के लिए खर्चा है, किसी को दिए 500 रुपया रियल अकाउंट का बोध करा रहा है एसेट्स का। तो एक तरफ ये खर्चा क्या हो रहा है, मजदूरी दे रहा है, मतलब मेरा मजदूरी बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर पेड करने के कारण कैश मेरा व्यवसाय से घट रहा है। तो एक नॉमिनल अकाउंट है और एक रियल अकाउंट है, मगर यहाँ क्या बोला है, इंक्रीज इन एक्सपेंस लॉसेस एंड एसेट्स। तो यहाँ एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, और जैसे एसेट्स यहाँ एक डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस एसेट्स सब पर लागू है, एसेट्स पर लागू होगा, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट होगा। तो जो खर्चा बढ़ा उसको डेबिट कीजिए, वेजेज अकाउंट डेबिट, और जो संपत्ति घट रही है उसको क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट 500। ये आपका मॉडर्न अप्रोच से हो गया। इससे संबंधित ढेर सारा एग्जांपल है, उसको हम लोग देख सकते हैं। एक एग्जांपल और लीजिए आप, आइए देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन हम लोग और लेते हैं। सपोज फर्नीचर परचेज किए, फर्नीचर बाउट फ्रॉम राम ऑफ रुपीज कितना है 10,000, नगद का जिक्र नहीं किया, नाम आया मतलब उधार कर दें। तो एक तरफ से लायबिलिटीज बढ़ रहा है, क्या कि कलों का हमको राम को पैसा लुटाना होगा, एक तरफ एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़े तो डेबिट, और लायबिलिटीज बढ़े तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज को क्रेडिट। तो राम नाम का लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो राम को नाम को क्रेडिट करेंगे, और फर्नीचर नाम का एसेट बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। ये आपका मॉडर्न अप्रोच से हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन को आसानी से कर सकते हैं। नाम है तो एपोस्ट्रोफीस लगा के लिखेंगे, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, किसी भी नाम के साथ अकाउंट जोड़ने से पहले एपोस्ट्रोफीस लगाना है। आइए मॉडर्न अप्रोच से हम लोग एंट्री देख पा रहे हैं। बस हमको याद रखना है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग जैसे इंक्रीज होगा संपत्ति खर्चा में उसको डेबिट कीजिए, जैसे इसका उल्टा घटे तो क्रेडिट कीजिए, जैसे घटे तो क्रेडिट कीजिए। उसका एक उदाहरण लेते हैं, संपत्ति घट रहा है तो उसको क्रेडिट क्यों किया जाता है। देखिए मान लीजिए मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं, मशीनरी सोल्ड ₹5,000, 5,000 में माल मशीनरी को बेच दिए, मशीनरी भी रियल अकाउंट ही घट रहा है तो इसको क्रेडिट करेंगे बोलता है ना, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट कीजिए, और एक दूसरा एसेट्स बढ़ रहा है कैश नाम का उसको डेबिट कर लीजिए। तो कैश अकाउंट डेबिट, जो बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट, और जो एसेट्स घट रहा है उसको क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट 500। चलिए अब हम लोग मॉडर्न अप्रोच से बेस्ट जितना समझे आप लोग, हम लोग तो ट्रेडिशनल अप्रोच से उसको हम लोग किए ही हैं, उसको आप लोग मॉडर्न अप्रोच से भी सोच के इसके कंसेप्ट जो इसका जो रूल्स है जनरलाइजिंग का उससे अपलिंक करके उसको आसानी से बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अब हम लोग
बैंक से संबंधित कुछ लेन देन जिसकी चर्चा करने रह गई है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। बैंक रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वहाँ बच्चे को थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो आइए उस पर हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। तो जनरलाइजिंग का एक रूल्स हम लोग का मॉडर्न अप्रोच जो बच गया था उसको आज हम लोग चर्चा किए हैं। आइए हम लोग अब बैंक से संबंधित लेन देन का चर्चा करते हैं। बैंक ट्रांजेक्शन होता है उसका अकाउंटिंग एंट्री में कहीं कहीं हम लोग का जानकारी न रहने के कारण हम लोग एंट्री गलती करते हैं। अदरवाइज हमारा जो कॉन्सेप्ट अभी तक का जितना हम लोग चर्चा किए हैं उस पर अगर किसी एंट्री को हम लोग पहचान लें कि कौन खाता प्रभावित हो रहा है तो आसानी से हम लोग एंट्री को कर सकते हैं। आइए बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो होगा उसको देखते हैं। बैंकिंग से संबंधित रिलेटिंग ट्रांजेक्शन, बैंकिंग रिलेटिंग ट्रांजेक्शंस, बैंक से संबंधित बैंकिंग रिलेटिंग ट्रांजेक्शंस क्या है? जैसे मान लीजिए बैंक में हम लोग पैसा जमा किए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसका एंट्री हम लोग को देखना है। बैंक में पैसा जमा किए तो पहले हम लोग बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक में मेरा जो खाता है उसमें जमा किए होंगे, तो बैंक में खाता भी मेरा क्या है, संपत्ति है। तो जो संपत्ति बढ़ रहा है बोलते हैं ना संपत्ति इंक्रीज जो डेबिट कीजिए, तो बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। और जो संपत्ति घट गया मेरे पास से क्या हुआ, कैश चला गया, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। जो अमाउंट रहेगा जितना जमा करेंगे उसको मेंशन करेंगे। इसका जस्ट उल्टा अगर बैंक से पैसा निकाल ले कैश withdraw from bank, बैंक से पैसा निकाल रहे रुपीज 1000, इसका देखिए बैंक से पैसा निकालते हैं तो क्या हुआ, बैंक एक तरफ घट गया मेरा, कैश मेरे पास आ गया बढ़ गया, तो जो संपत्ति बढ़ रहा है उसको डेबिट कीजिए कैश अकाउंट डेबिट, और जो संपत्ति घट रहा है बैंक घट रहा है तो टू बैंक अकाउंट कीजिए। हमेशा अपने आपको बिजनेस मान के ही थिंक करना है। अब हो सकता है कि बैंक मेरे खाता पर ब्याज जमा करे, इंटरेस्ट सिचुएशन यह होता ही है, क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक को मेरा जो खाता है उस पर ब्याज बैंक ने दिया, तो ब्याज दिया तो बैंक क्या करेगा, मेरे खाता में हमको ना देख के मेरे खाता को ही उतना पैसा से बढ़ा देगा। एक तरह से क्या होगा, ब्याज के कारण मेरा बैंक में अगर 2000 है और 50 रुपया ब्याज मिलती है तो बैंक उसी खाता में मेरा ब्याज के नाम से डाल देगा, तो बैंक बढ़ जाएगा 2050 हो जाएगा। अब और चूंकि ब्याज मेरे लिए क्या लाभ हुआ, इनकम हुआ, तो इनकम को नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, तो बैंक एक तरह से बढ़ेगी मेरा उस ब्याज के कारण, और ब्याज नाम का इनकम होगा तो इनकम बढ़ रहा है टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नाम का इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम जो बोला जाता है उससे भी आप लिंक कर सकते हैं। जो इतना अमाउंट हो मान लीजिए 50 हो तो 50 हो 100 हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कभी कभी क्या होती है, बैंक को हम लोग को LIC प्रीमियम जमा करना है, बिजली बिल जमा करना होता है, अगर मान लीजिए किराए के मकान में रहते हैं तो किराया भाड़ा देना रहता है, तो हर मंथली मान लीजिए मेरा बिजी शेड्यूल है तो हम भूल जाते हैं, तो बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, बैंक को कह देते हैं कि भैया इस तारीख को बिजली बिल के खाता में जो अकाउंट हो मेरा बिजली बिल नंबर से, या मकान मालिक के खाता जो हम पहले से टाइप हो उसमें मेरा इतना रुपया जमा कर दीजिएगा, वो तो बैंक क्या करेगा मेरे बदले जमा कर देगा ताकि हम भूल भी नहीं पाएंगे। तो अगर बैंक स्टैंडिंग, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक पेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एज रेंट, मान लीजिए रेंट दे रहा है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कहने का से मतलब बैंक को जो एक लिखित दे दिया जाता है कि भैया ये पैसा मेरे बदले आप पेड कर दीजिएगा, उसी को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो रेंट मेरा बैंक पेड कर रहा है, ऑटोमेटिक क्या होगा जैसे तारीख आएगा तो मेरा खाता से उतना पैसा बैंक क्या करेगा, रेंट के नाम से मकान मालिक को दे देगा, तो मेरे लिए तो रेंट नाम का खर्चा ही हुआ, तो रेंट को हम लोग डेबिट करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, और चूंकि मेरा बैंक में पैसा घट रहा है तो टू बैंक अकाउंट, जो एसेट घट रहा है जो भी अमाउंट हो, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अगर बैंक पेड कर देती है। इस तरह बैंक क्या होगा कि हमको कुछ सुविधा देती है, मान लीजिए हमको सुविधा देने के बदले बैंक कमीशन काट रही है, मान लीजिए वहां से DD बनावे, चाहे कुछ बैंक से हम
कोई चीज का लेन देन किए, मान लीजिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बदले ही कुछ पैसा काट ले, तो बैंक चार्ज कर रहा है, बैंक चार्ज मतलब काट रहा है मेरे, चार्ज एज कमीशन, कमीशन के रूप में काट लिया। मान लीजिए वहां से डीडी बनाए, कुछ कमीशन लेगा बैंक, तो क्या होगा, मेरे पास से कमीशन नाम का खर्चा बढ़ गया और बैंक चूंकि मेरे खाता से ही काट लेगी तो हम बैंक को क्रेडिट कर लेंगे। बैंक मेरे खाता से ही काट रही है तो बैंक मेरे से एक तरह से संपत्ति घटा तो बैंक को क्रेडिट, और कमीशन नाम का खर्चा हुआ, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट हो उसको हम लोग मेंशन कर लेंगे। तो इस तरह बैंक से रिलेटेड कुछ और ट्रांजेक्शन है जिसको हम लोग चर्चा करते हैं। एक्चुअली हम लोग को समझ जाना है इसका मतलब क्या है। बैंक चार्ज कर रही है कमीशन के रूप में, तो कमीशन नाम का मेरा खर्चा हुआ, और चार्ज कर रही है मतलब मेरा बैंक से ही मेरे अकाउंट से काट ले रही है, तो मेरा बैंक घट जा रहा है उसके जगह कैश ना जाके, है ना। मान लीजिए कस्टमर को से हम कुछ उधार बेचे थे, उसे हमको चेक रिसीव हुआ, कस्टमर से चेक रिसीव्ड बट नॉट, उस दिन हम शाम को रिसीव हुआ, बैंक में उस चेक को अपने खाता में नहीं लगा पाए, बैंक बट नॉट डिपोजिटेड इनटू बैंक। ये क्वेश्चन क्या हो गया कि कोई बंदा हमको चेक दिया जिसको हम उधार बेचे थे चाहे जिससे हम पैसा पा रहे थे, चेक रिसीव किए फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपोजिटेड इनटू बैंक, चेक रिसीव्ड मान लीजिए हम जोड़ देते हैं फ्रॉम राम से चेक रिसीव किए मगर उसको किसी कारणवश से हम बैंक में जमा नहीं कर पाए, तो बैंक में जब तक नहीं जाएगा तो मेरा बैंक बढ़ेगा नहीं, तो हम उसको हम कैश कह भी सकते हैं, कैश इन हैंड कहेंगे, कैश इन हैंड हाथ में है, या चेक, कैश कहिए, कैश ही मान लिया जाता है जनरली, या चेक इन हैंड बोलिए इसको, चेक हाथ में है आपके पास, चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करेंगे उस दिन, क्योंकि बैंक में हम लोग उस चेक को अभी तक जमा नहीं कर पाया है, और जो कस्टमर दिया गिवर है राम, या एक तरह से मेरा संपत्ति घट रहा है, इसे पा रहे थे डेटर था, संपत्ति घट रहा है टू राम, जितना भी अमाउंट होगा उसको हम लोग मेंशन कर देंगे। अब क्या होगा, नेक्स्ट डे उस चेक को मान लीजिए हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, चेक डिपॉजिटेड, क्योंकि चेक तो फाइनली हमको खाता में लगाना ही होगा इनटू बैंक, बैंक में जैसे जमा करेंगे तो चेक क्या होगा बन जाएगा, मेरा बैंक बढ़ जाएगा इसके बाद, तो बैंक बढ़ेगा, और एक तरह से चेक जब हम जमा नहीं किए थे उसको कैश के रूप में माने थे तो कैश घट जाएगा, या चेक इन हैंड घटा सकते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट टू चेक इन हैंड लिखिए या कैश लिखिए जो लिखिए, क्लियर है। चेक जब तक बैंक में ना जाए वो कैश या चेक इन हैंड के रूप में डेबिटेड रहेगा, जैसे बैंक में जाएगा बैंक बढ़ जाएगा टू कैश। अब मान लीजिए हम चेक पेमेंट कर रहे हैं, कोई खर्चा को चेक से पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी पेड कर रहे हैं, मान लीजिए हम सैलरी पेड बाय चेक, चेक के द्वारा पेड किया, तो इसका एंट्री क्या होगा, सोचने वाली बात है, सैलरी तो खर्चा हो गया मेरा मगर मेरे लिए उसके बदले क्या मेरे व्यवसाय से कैश जा रहा है, नहीं चेक दे रहे थे, चेक फाइनली क्या होगा बैंक ही घटेगा मेरा, चेक वो बंदा क्या करेगा बैंक से लगा के मेरा पैसा बैंक से भंजा लेगा, वो ले लेगा उसके बदले, तो सैलरी नाम का खर्चा हुआ उसको डेबिट कीजिए, सैलरी अकाउंट डेबिट, इसके अगेंस्ट में हम लोग कैश ना देके चेक दिए हैं इसलिए हम लोग फाइनली बैंक ही घटाएंगे टू बैंक अकाउंट। तो ये सब इम्पोर्टेंट डिस्कशंस था बैंक से संबंधित जिसको हम लोग चर्चा किए। अब ऑलमोस्ट हम लोग जनरल का हर एस्पेक्ट को कवर कर चुके हैं, इससे संबंधित सारे सम्स को आप लोग कवर कीजिएगा, और जहां दिक्कत हो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियो हो कंसर्न वीडियो को आप लोग देखिए संबंधित वीडियो को, और आपको आसानी से उस टॉपिक का सोल्यूशन मिलेगा, और मेहनत कीजिए। थैंक यू।